नमस्कार मित्रों, मैं हूं नितिन भानु और आपका मेरे चैनल एडवरटेक्स में स्वागत है। मित्रों, कल हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 8 देख रहे थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ठीक है, और हम लोग 8 से 12th के मैथ्स के लेक्चर सीरीज में चल रहे हैं। एनसीईआरटी हम लोग कवर करते जा रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको पिछला वाला पार्ट समझ में आया है तो ये आपको अभी बढ़िया समझ में आएगा, और अगर थोड़ा बहुत समझ में आया है तो हम लोग आप इस पे आइए, आपको वापस से मैं वही चीज़ें बताऊंगा चैप्टर के फॉर्म में, चैप्टर के लाइन में, और आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, घबराइएगा नहीं, अलजेब्रा से डरना नहीं। अलजेब्रा मतलब सीधा यही होता है कि आपको कोई कोई चीज़ की वैल्यू नहीं पता है, किसी कॉन्स्टेंट का वैल्यू नहीं पता है, उसको आप एक्स या वाई या कोई भी वेरिएबल मान के आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इस चैप्टर पे। अब इसमें पहला बताया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक, अब ये देखिए, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ये ऐसा है, नहीं ये छोटा ही है ना, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, सॉरी, तो इनको क्या बोला गया है कि इनको एक्सप्रेशंस बोला गया, ये जो यहाँ लिखे हुए हैं इनको क्या बोला गया, एक्सप्रेशंस बोला गया है। अभी इनको एडिशन करना है, तो एडिशन करने में क्या फंडा होता है कि आप क्या करेंगे कि जो पहला एक्सप्रेशन होगा वो आप उसको यहाँ लिखेंगे, दूसरा एक्सप्रेशन में मान लेते हैं यहाँ पे चार ये था, ठीक है, चार आपके, चार तरह के आपके एक्सप्रेशन में मोनोमियल्स थे, राइट। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप दूसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जिससे मैचिंग वाला होगा इसके नीचे लिखेंगे, इसके मैचिंग इसके नीचे लिखेंगे, और मान लीजिए इसका कोई मैचिंग नहीं है यहाँ पे तो ये आप खाली छोड़ेंगे। ठीक है, तो एक आपका यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ गया, ये इसका मैचिंग कोई नहीं था, खाली छोड़ देंगे, इसका यहाँ आ गया। अब मान लीजिए कोई इसमें एक्स्ट्रा है जो इनमें से किसी से मैच नहीं कर रहा है तो वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और आप इसको जोड़ देंगे। ठीक, आते हैं क्लासेस। वी हैव लर्न हाउ टू एड एंड सब्ट्रैक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, इसको अगर जोड़ना हो तो क्या क्या है, एक्स स्क्वायर 4x 5 और 9x-10 है यहाँ पे, तो एक्स वाले को एक साथ रखा, कॉन्स्टेंट्स को एक साथ रखा, और एक्स स्क्वायर नीचे कुछ भी नहीं था, खाली यहाँ पे छोड़ दिया, जीरो हो गया वहाँ पर अंडा। ये जोड़ के ये अपना आ गया, तो आपको ये तरीका दिख रहा है, और जैसा कि ये बोल रहा है कि डेली क्लास में सिखाया गया है आपको, तो आपको पता ही होगा ये चीज़। ठीक है मित्रों, ठीक, अभी अब एक सीधा सीधे एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, थोड़ा एग्जांपल्स में अलग अलग टाइप का दिया। देखिए, पहला एक्सप्रेशन कॉमा पर फोकस कीजिए, पहला एक्सप्रेशन ये है, आप उसको यहाँ ऐसा लिख लिए। अब दूसरा एक्सप्रेशन 4yz 4zx-4y है, 4yz+9zx-4y है, तब इसमें देखिए एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई नहीं है तो ये इसका नीचे खाली रहेगा। ठीक है, 5yz है तो अभी देखिए 4yz है तो इसका नीचे 4yz लिख दीजिए, प्लस जेड एक्स है, जेड एक्स यहाँ नहीं था तो हम जेड, अच्छा जेड एक्स यहाँ है ना, ये वाला जेड एक्स है, वाई जेड जेड एक्स, हाँ ठीक है, ये यहाँ लिख दिया, 4y यहाँ वो नहीं था, y का यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल वाला ये कंटेंट नहीं है तो इसको हमने अलग से लिख लिया। ठीक, तो जो मैचिंग होंगे उनको उसके नीचे देखिए, अभी देखिए इस एक्सप्रेशन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इससे मैचिंग कुछ भी नहीं था, वाई जेड से मैचिंग कुछ भी नहीं था। ठीक है, जेड एक्स मैचिंग था तो वहाँ लिखा हुआ है, 5x यहाँ लिखा हुआ है, इसका मैचिंग इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है तो ये अलग से लिखा हुआ है, इसके ऊपर यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है। ठीक है, 2xy तो इसके मैच में है तो ये यहाँ लिखा हुआ है, बस आपने ऐसे एक बार अरेंज कर दिया तो आप सीधा इसको ऐड कर लेंगे। ठीक, ये आपका आंसर आ जाता है, और ये आपका लिखा हुआ है जेड वाई एक्स, जेड इज सेम एज जेड एक्स। ठीक है, 2 × 4 = 4 × 2 लिखते हैं ना, तो वही ये चीज़ बोलना चाह रहा है कि एक्स जेड है, मान लेते हैं ये एक्स है ये जेड है, तो इसको जेड इंटू एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक्स है और ये जेड है, ठीक है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें बताया नहीं गया है, अलजेब्रा का बहुत बेसिक टॉपिक है ये, और आपको धीरे धीरे समझ में आता चलेगा। अब उसके बाद एडिशन बता दिया आपको, तो सब्ट्रैक्शन आपको बताएगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, पहले तो आप जैसे एडिशन में अरेंज करते हैं ना, वैसे आप पहले अरेंज कीजिए, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर। ठीक है, जो भी ये वेरिएबल मैच करना है, गलती से भी कॉन्स्टेंट मैच करके मत रख दीजिएगा, क्योंकि जब एडिशन होगा तो सेम वेरिएबल में ही एडिशन हो पाता है, ये हम देख चुके हैं, तो सेम एडिशन वेरिएबल वाले को एक साथ रखिए, है ना,
अभी एक्स वाला नहीं था तो यहाँ जीरो हो गया, एक्स वाई वाला नहीं था तो यहाँ भी जीरो हो गया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ कांस्टेंट नहीं था तो इसके ऊपर वाला भी जीरो हो गया है ना, इसके ऊपर वाला देख रहे हैं जीरो हो गया। ठीक, अब जब आपने ऐसे अरेंज कर दिया तो माइनस में क्या होता है कि जैसे ऐसा लिखा हुआ है सेवन, ठीक है, अभी सेवन को बोला गया फाइव में, सेवन में से आप फाइव माइनस कीजिए, ये दो एक्सप्रेशन दे दिया, इसका मान लेते हैं ये सेवन था ये फाइव था, बोला सेवन में से फाइव घटाओ, तो आप क्या लिखते हैं, आप सीधा लिख देते हैं सेवन माइनस फाइव लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्टेप था जो आपने इसमें नहीं लिखा, वो क्या स्टेप था कि सेवन प्लस सेवन फाइव, ठीक है, अभी इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, यानी कि हम क्या बोला माइनस करने, मतलब कि हम इसका साइन चेंज करेंगे, हैं इसका साइन चेंज करेंगे, तो इससे क्या आ जाता है सेवन माइनस फाइव ये टू हो जाता है और ये प्लस टू हो जाता है क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला जो नंबर था वो बड़ा था। तो फाइव तो अगर ये फाइव लिखा हुआ मतलब प्लस फाइव ही तो लिखा हुआ है, या सेवन लिखा प्लस सेवन लिखा हुआ है, कुछ नहीं है मतलब प्लस वैल्यू है। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है कि उसने सीधा सीधी इसको उठा के और इसको उठा के यहाँ पर और ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, जैसे ही ये प्लेस कर दिया उसके बाद साइन तो बदलना पड़ेगा ना, साइन बदलना मैंने आपको बताया ना सेवन और फाइव है, माइनस करना है, तो फाइव के आगे तो प्लस लिखा हुआ था ना, सेवन के आगे भी प्लस लिखा हुआ था, तो इसको माइनस करने के लिए आप इसका साइन चेंज करते हैं। ठीक है, साइन चेंज करके यहाँ पे पुट करते हैं तो ही आप सेवन माइनस फाइव लिख पाते हैं, इक्वल टू टू लिख पाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि इसका देखिए प्लस था इसका माइनस था, तो जो प्लस वाला था इसका माइनस चेंज माइनस कर देंगे, माइनस वाला था उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। ठीक, जब आपको ये समझ में आया है ना, तब अगले स्टेप ये क्या किया, इसके बाद अब इधर सॉल्व कर दिया, आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, मतलब कुछ ऐसा है ये दिखता है, अगर थोड़ा और एग्जांपल मैं इसमें बताऊं तो सेवन एक्स माइनस फाइव वाई है, माइनस करने बोला किसको, टेन एक्स माइनस टू वाई। ठीक है, इसमें से इसको आप घटाइए, तो आप क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट में ले लेते हैं, माइनस यहाँ लिख देते हैं। जब ये ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस क्या है, माइनस मतलब माइनस वन है, तो माइनस ब्रैकेट खोलने का मतलब है कि इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, तो सेवन एक्स माइनस फाइव वाई, ठीक है, माइनस वन इंटू प्लस टेन माइनस टेन एक्स, और इसको इसे जब इंटू किया माइनस वन इंटू माइनस टू वाई तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और आप टू वाई लिख देते हैं। तब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है कि ये घटाएंगे तो माइनस थ्री एक्स, और ये करेंगे तो माइनस थ्री वाई, इम्प्लाई साइन डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या किया साइन बदला ना, इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके आपने साइन बदला ना इसको, तो वैसे ही आप यहाँ पे भी साइन बदलेंगे। तो यहाँ पे तो ये तो सीधा लिखे हुआ है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसको ऊपर लिखा फ्रॉम वाला है ना, एक्स फ्रॉम वाई, ठीक है, तो एक्स फ्रॉम वाई अगर लिखा हुआ है तो वाई माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको ऊपर लिखा है और इसको ये लिखा है, अगर ऐसा इसको कांस्टेंट में देखना चाहें तो टू फ्रॉम थ्री, दो को तीन में से माइनस करो, दो को तीन में से माइनस करो तो तीन माइनस टू इक्वल टू वन हो जाता है। ठीक, ये लैंग्वेज पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ, किसी को भी आप ऊपर मत लिख दीजिएगा नहीं तो आंसर मतलब ये तो सेम आएंगे लेकिन साइन आपका उल्टा आ जाएगा। अब फाइव माइनस टू इक्वल टू क्या होता है थ्री होता है, और टू माइनस फाइव कर देंगे अगर गलती से तो क्या होगा माइनस थ्री, तो ये पार्ट तो सही होगा आपका साइन गड़बड़ आ जाएगा, यहाँ प्लस होना चाहिए था लेकिन आपका यहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आपने इसको ऐसे सजा दिया, पहला तो ये सजा दिया, दूसरा ये मैंने ये सजा दिया, फिर ये तो अब इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है ना, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करने के लिए, या फिर आप अगर इसको सीधा फॉलो कर सकें तो आप सीधा भी फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको माइनस इसका प्लस था तो माइनस वन से मल्टीप्लाई किए होंगे इसको, तो ये माइनस हो गया, तो ये सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जीरो था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जीरो था तो ये एज इट इज़ यहाँ आ गया। ठीक है, ये माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई कीजिए,
अभी साइन बदलना छोड़िए, क्योंकि मैंने साइन बदलते हैं चाहे तो आप साइन सीधा उलट दीजिए, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करने पर साइन उलट जाता है, प्लस का माइनस बन जाता है, माइनस का प्लस बन जाता है, तो चाहे तो आप साइन उलट दीजिए, यहाँ पर साइन उलट दिया है, हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आएगा, आप इसको माइनस कर दीजिए और ये आपका वैल्यू आ गया। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस वन से, आपको ब्रैकेट खोल के दिखाया था ना अभी माइनस से मल्टीप्लाई करने का, तो ये साइन बदल के प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो आठ चार बारह हो जाएगा, बारह वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है, फाइव एक्स एज इट इज़ उतर गया, यहाँ पे ये था प्लस था यहाँ पे, तो प्लस का माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स वाई आ गया, माइनस सिक्स वाई माइनस थ्री वाई माइनस नाइन वाई आ गया, और ये इसका भी साइन माइनस थ्री था, तो माइनस थ्री को प्लस वन सॉरी माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थ्री इंटू माइनस वन क्या हो जाता है, इक्वल्स टू थ्री हो जाता है ना, प्लस थ्री हो जाता है, तो ये प्लस थ्री यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये तो वो तरीका हुआ कि ब्रैकेट खोलने के टाइम में माइनस वन से हमने मल्टीप्लाई किया था तो उसका साइन पलट गया था। अब यहाँ क्या है कि आपके दिमाग में मैंने ये बताने के लिए बोला है, वैसे एग्जाम में जब एग्जाम क्या मतलब कभी भी आप कर रहे हो इस तरह के सवाल जिसमें आप सीधा जो भी नीचे वाला साइन होता है ना, यहाँ प्लस था ना, सबको पलट दीजिए, ठीक है, पलट के सीधा ऐड, नीचे वाला का जो भी जितना भी साइन है सबको आप पलट दीजिए और सीधा आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो वो वैसे मैं करके दिखाता हूँ, तो उससे क्या होता है आपका काम आसान हो जाता है। देखिए तो इसको कैसे हम लिख देंगे साइन पलट के, सेवन एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस वन से जब हम ब्रैकेट खोल रहे थे तो सबका साइन पलट रहा था, मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो रहा था, ये लिखा हुआ है प्लस एट वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री वाई। अब नीचे का सा ये हमको पता है, नीचे वाला ये है ना, इसका क्या कीजिए साइन पलट दीजिए, प्लस फाइव एक्स स्क्वायर था तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर वाई स्क्वायर था तो प्लस फोर वाई स्क्वायर, इसके नीचे तो जीरो आ गया, प्लस फोर वाई स्क्वायर, ये प्लस सिक्स वाई, प्लस सिक्स वाई था तो ये पलट के माइनस सिक्स वाई हो जाएगा, माइनस सिक्स वाई, और ये माइनस थ्री था तो ये पलट के प्लस थ्री हो जाएगा। अब क्या है, अब सीधा एडिशन है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, यहाँ पर मैथमेटिकल एडिशन है, ये एक्स स्क्वायर होगा ना, हाँ ठीक है, तो सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर जीरो था तो ये सीधा आ जाएगा माइनस फोर एक्स वाई, और साइन जो आप बदलेंगे वो नीचे वाले का बदलेंगे, ऊपर वाले का मत बदलिएगा, ठीक, प्लस नाइन वाई स्क्वायर, नाइन कैसे आ गया यार, ये सिक्स कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, प्लस फोर वाई स्क्वायर होगा ना, साइन पलट के प्लस फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये भी बदल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्वेल्व वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस फाइव एक्स, ठीक है, इन दोनों को जोड़िए आप, माइनस नाइन वाई, और ये इसका कुछ नहीं था तो ये एज इट इज आ जाएगा प्लस थ्री, ठीक है, देखिए अब ये आंसर सेम आ रहा होगा, है ना, ठीक, समझ आ गया मित्रों आपको ये चीज़ कैसे करना है। तो माइनस प्लस में कुछ नहीं है, प्लस में तो आप सिर्फ बस वेरिएबल का मैच कीजिए, वेरिएबल मैच जैसे ही हो गया आप उसको ऐड कर देंगे, ठीक, लेकिन अगर आपको सब्ट्रैक्शन है तो नीचे वाला जो भी है, पहले तो नीचे वाला कौन सा है वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा क्वेश्चन के लैंग्वेज से, जैसे यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है तो वो जो, ठीक है, फ्रॉम के बाद जो होगा वो ऊपर होगा और जो फ्रॉम से पहले होगा वो नीचे होगा, तो इस केस में नीचे हुआ था, इस केस में ये नीचे गया था तो इसका ही साइन बदला था, इसका हम क्या करेंगे साइन बदल के आप माइनस कर लीजिए, तो इस तरह से आप दिखा सकते हैं, बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना ऐसे, ये साइन बदलने के लिए ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो घबराना नहीं है इस चीज़ से, आप ये कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए हो जाएगा, मैथ्स में क्या है कॉन्सेप्ट कम है प्रैक्टिस ज़्यादा है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी बढ़िया क्लैरिटी आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखा, नोट दैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर इज द सेम एज एडिशन ऑफ इट्स एडिटिव इनवर्स। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है कि सब्ट्रैक्शन जो है वो एक्चुअली एडिशन है ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब ये वर्ड आया है एडिटिव इनवर्स का, प्लस फाइव का एडिटिव इनवर्स माइनस फाइव होता है, ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या हो गया कि वही नंबर लेकिन उसका साइन आप उल्टा करके, तो सब्ट्रैक्शन एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि जिसमें से जिसको घटा रहे हैं, ठीक है, इसमें से हम इसको हमको घटाना है, तो ये जो भी क्वांटिटी है इसका आप एडिटिव इन्वर्स निकाल लीजिए। एडिटिव इन्वर्स कैसे निकाल लेंगे, उसका साइन पलट के, हर एक्सप्रेशन का साइन पलट के, ठीक है, तो साइन यहाँ जैसे पलट रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये प्लस था, इसका प्लस का ये माइनस कर दिया,
ये माइनस था इसका प्लस कर दिया, प्लस का ये माइनस कर दिया, माइनस का ये प्लस कर दिया और इसको इसमें ऐड कर दिया। तो साइन नीचे वाला जो भी है उसका साइन आप उल्टा कीजिए और उसमें बस ऐड करना है आपको, ठीक है। क्योंकि साइन उल्टा ही कर दिया, जैसे ही आपने साइन उल्टा किया ना तो वो आपका सब्ट्रैक्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल हो गया, ठीक है। एक छोटा सा और एग्जांपल मैं आपको इसमें बताता हूँ और फिर हम लोग मूव करते हैं। अब ये आपको एडिशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अभी सब अभी हम लोग 7 और ये 5 है, ठीक है, और 7 और ये 5 है, ठीक है। अब यहाँ बोला हमको ऐड करने, यहाँ बोला है सब्ट्रैक्ट करने, ठीक है। कॉन्सेप्ट है ये चीज़, ठीक है ना, इस पर कॉन्सेप्ट फोकस कीजिए। इससे ऐड करने बोला है तो जैसी नंबर दिया वैसे ही हम ऐड कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने बोला है तो नीचे वाले को प्लस था उसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। और अब इसमें ऐड कीजिए, सेवन प्लस माइनस फाइव, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। 7 प्लस 5 नॉर्मल केस था, जब आपको माइनस करना है तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकालिए। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका साइन उल्टा हो जाएगा। तो 7 प्लस माइनस 5, तो यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नंबर इज द सेम एज एडिशन ऑफ इट्स एडिटिव इन्वर्स। जैसे ही आपने एडिटिव इन्वर्स निकाल लिया और उसके बाद आपने ऐड कर दिया तो एडिटिव इन्वर्स निकालने ही के प्रोसेस में आपने सब्ट्रैक्शन को हैंडल कर लिया है। अब ये मत सोचिएगा कि यार सब्ट्रैक्शन में एडिशन कैसे कर दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में जब वो प्रोसेस जो कर रहे हैं ना, एडिटिव इन्वर्स वाला प्रोसेस, जो हम उसका साइन बदल रहे हैं, वहीं पे हमने सब्ट्रैक्शन को हैंडल कर लिया है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन एक ढंग से एडिशन ही होता है, बस एडिशन जो है वो एडिटिव इन्वर्स का होता है, एक्चुअल नंबर का एडिशन नहीं होता है उसमें। जैसे 5 का एडिशन कर रहे थे तो 12 आ रहा था, और 5 का एडिशन जो है वो सॉरी 7 का एडिशन अगर माइनस फाइव सॉरी 7 का एडिशन 5 से कर रहे हैं तो आपका एडिशन हो रहा है 7 का एडिशन 5 के एडिटिव इन्वर्स माइनस 5 से कर रहे हैं तो वो 2 देता है आपको, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। अब ये करके देखिए, वो चीज़ सेम ही चीज़ है, मिला मिला करके आपको वो वैसे ही करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन वाले केसेस में आपको एडिटिव इन्वर्स निकाल के ऐड कर देना है साइन बदल के। ना कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना आपको, तो आप ऐसा समझिए ना, एक्स प्लस वाई माइनस 2x रख लीजिए, 2x 2y है, 2x प्लस 2y, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक। ये आपको ये तो दिख रहा है आपको, यहाँ पे माइनस वन लिखा हुआ, कुछ नहीं है मतलब माइनस वन है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लस वन लिखा हुआ, ठीक है। तो प्लस वन क्या, प्लस वन से कुछ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वन ही होता है, लेकिन माइनस वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन ही नहीं होता है, साइन बदल जाता है उसका, ठीक है। तो इसको आप खोलिए, ब्रैकेट खोलिए, 2x प्लस 2y, ये मैं बता चुका हूँ फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो आप ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्चुअली, तो आप क्या कर रहे हैं, इसका एडिटिव इन्वर्स यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये जो अभी हमने ये लिख दिया ना, ये पोर्शन जो लिख दिया, ब्रैकेट नहीं होगा, मैं बस दिखाने के लिए आपको, ये पोर्शन जो आपने लिख लिया, ये एडिटिव इन्वर्स ही तो लिखा है, प्लस एक्स प्लस वाई का माइनस एक्स माइनस वाई, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल एडिशन में जैसा होता है वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। माइनस साइन है तो प्लस के साथ माइनस साइन जैसे डील होता है तो वैसे ही डील कर रहे हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ें, तो ये आप करके देखिएगा, आपसे ये हो जाएगा सवाल। नहीं समझ में आया तो आपका फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या ना, स्कूल में ये पूरा किताब एक साल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैं इसको मतलब एक साल में पढ़ाया जाता है तो हर दिन अगर एक क्लास भी होता है तो कितने दिन होते हैं, 365 दिन, और 5 दिन भी क्लास होता है मैथ्स का तो आपका 52 वीक्स होता है, राइट। 52 वीक्स एक साल में 52 वीक्स होते हैं, और हर वीक में अगर 4 दिन भी आपका मैथ्स का क्लास होता है तो 200 क्लासेस आपका लगभग चलेगा इसका। तो 200 क्लासेस में कॉन्सेप्ट का जितना क्लास होगा उतना तो मैं ले रहा हूँ, सॉल्यूशन का जो क्लासेस होगा, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है, वो मैं जो दिख रहा है उसी के थ्रू जितना बता पा रहा हूँ। अगर आपको उसके बाद आप कीजिए, मेरे ख्याल से कई बार आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आपसे हो जाएगा सवाल, एक आध दो सवाल होंगे जो अटकेंगे फिर भी, कोई भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कहीं मिस करने लग गया या कुछ कन्फ्यूज़न हो गया, कुछ भी हो सकता है, जनरली होता है, मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है कि आपको पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट आता है फिर भी आप किसी सवाल अटक गए, तो ऐसा होता है। तो उस केस में आप वरी नॉट, वो आप अपने टीचर या जो भी आसपास आपके होंगे उनसे आप ले हेल्प ले सकते हैं, कुछ ना समझ में आए तो आप
मेरे को कमेंट में सवाल लिख के भेज दीजिए, मैं उसके लिए क्लास बता दूंगा। ठीक है, अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन। अरे भाई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या बोलना चाह रहा है, मैं इसको आपको ये बताता हूँ। ये पूरा ये डॉट डॉट जो बना के ये सब पूरा दिखाया हुआ है, इसमें ये क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मान छोटा ही नंबर मान के चलते हैं, हम ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ आपके असेंबली लाइन्स होते हैं ना, असेंबली में जब लाइन लगाते हैं, ठीक है, तो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। अब ये पूरा भरा हुआ है, मतलब अब भरता जाइए भरते जाइए। ठीक है, ये अब रेक्टेंगल है क्योंकि यहाँ 3 3 6 और यहाँ 3 2 5 ही है ना। तो अगर आपको निकालने हो कि इसमें इस असेंबली में कितने लोग खड़े हैं, ये निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? एक तो ये तरीका है, एक एक आप काउंट करते जाइए जी, काउंट करते जाइए। दूसरा क्या स्मार्ट वे क्या हो सकता है, स्मार्ट वे ये हो सकता है कि आप क्या करेंगे, 1 2 इसको काउंट कर लेंगे, 3 4 5 6 आ गया, इधर से 1 2 3 4 5 ये 5 आ गया। ठीक है, तो अभी इसका सॉल्यूशन कीजिए कि इसको कितना हो जाएगा। तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ हमको 6 है और जो ब्रेथ है वो 5 है, तो इसका हम कैसे निकाल लेंगे कि 6 × 5 = 30। 30 लोग थे असेंबली में यहाँ पे खड़े, ठीक है ना। ठीक है मित्रों, अब ये बहुत बेसिक चीज़ था जो लिखा हुआ है, चूँकि लिखा हुआ इसलिए मैं बता भी रहा हूँ आपको। तो ये आपको समझ में आया कैसे इसमें काउंट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं ठीक है, बहुत सावधानी से मिटाना पड़ता है, नहीं तो लिखना पड़ जाएगा, है ना। ये मैंने क्यों मिटाया है, वो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों मिटाया है। अब ये काउंट यहाँ नहीं पता, यहाँ पे बीच बीच में कुछ और लोग हैं, 1 2 कुछ लोग हैं और फिर सेकंड लास्ट और ये लास्ट आदमी है। इसी में ऐसे इसमें भी 1 2 और सब कुछ हैं और सेकंड लास्ट और ये लास्ट आदमी है, हमको नहीं पता है क्या है। तो अगर हमको ये काउंट करना हो और ये बहुत ज़्यादा लोग हों तो हम क्या करेंगे, ये हमको पता है कि ये लाइन में असेंबली लाइन टाइप ही खड़े हैं, एक के बगल में दूसरा, जैसे पीटी में जैसा होता है वैसा ही खड़े हैं। ठीक है, हमको ये नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। मान लेते हैं इसको हम एम बोल देते हैं, ठीक है, और इसको काउंट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको एन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पीटी क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पीटी फिजिकल ट्रेनिंग। होता कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे खाली करना होता है ना फिजिकल ट्रेनिंग में सीटी पे। तो एम इंटू एन जो होता है ये एम इंटू एन ये हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी देखा था ना 3 5 × 6 किया था ना हमने, एक रेक्टेंगल है, ये एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, दिस इज अ रेक्टेंगल राइट, जिसमें लंबाई कितनी है एम है और चौड़ाई क्या है एन है। तो हम इसका क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया 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 इज जो निकालेंगे इसका, दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एम इंटू एन, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपका एम इंटू एन। अब ये एम इंटू एन ये भी किसी कॉन्स्टेंट के लिए खड़ा है, ये भी किसी कॉन्स्टेंट के लिए खड़ा है, हमको ये वैल्यू नहीं पता है इसलिए हम एम यूज़ कर लिया, और नहीं वैल्यू ये भी वैल्यू नहीं पता था, ब्रेथ का भी वैल्यू पता नहीं था इसलिए हम एन यूज़ कर लिया। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा क्यों क्वेश्चन आया, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट को हमने जैसे ही उसको वेरिएबल के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, वो अलजेब्रा का सवाल बन गया। देख लीजिए अलजेब्रा का सवाल बन गया, इतना टफ था कि अलजेब्रा, कोई अलजेब्रा टफ नहीं है, ये हवा बना देते हैं सब, अलजेब्रा टफ है क्या है, कांस्टेंट को ही तो रिप्रेजेंट कर दिया है। हाँ, एक्स वाई का खेल है, पावर का खेल है, जोड़ना घटाना थोड़ा खेल है, तो उसमें थोड़ी आपकी मतलब फोकस लगता है कि भाई कोई पावर मिस ना कर जाए, कुछ गलत ना जोड़ दें,
एक्स वाई स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर वाई के नीचे लग के 10 और 5 को ऐसा जोड़ना दें, 15 को, सॉरी 15 को आप ऐसा जोड़ना दें, ये गलत हो सकता है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आपको फोकस होना पड़ेगा अलजेब्रा के सवाल में, क्योंकि पावर का खेल है और गलती से भी 1 का 2 दिख गया, 2 का 1 दिख गया तो वो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, एम इंटू एन लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं कि इसमें 2 रो और ऐड कर दिया हमने, इसमें ये तो इतना था ही, अब क्या हुआ कि 2 रो और आ गया। ठीक है, ये चलता जाएगा, ये 2 कॉलम था बेसिकली, ये 2 कॉलम और ऐड कर दिया और 2 रो भी ऐड करेंगे हम। ठीक है, अभी काउंट है ना, एन का फिर काउंट क्या हो गया, अब एन का क्या हो गया, यहाँ तक आ गया, एन क्या बन गया, एन प्लस 2 बन गया, एम का काउंट यहाँ तक चला गया, 2 लोग और ऐड हो गए तो एम प्लस 2 आ गया। अब ये तो गलत हो गया ना, ये तो यहीं तक के लिए था, ये यहीं तक के लिए था। तो इस केस में इसका जब हम एरिया निकालना होता है तो अगेन हम क्या करेंगे, लेंथ कितना हो गया एम प्लस 2, ब्रेथ कितना हो गया एन प्लस 2। ये भी अलजेब्रा का सवाल है, एम और एन हमको नहीं पता है, 2 2 चूंकि ऐड किए थे इसलिए हमें 2 पता था तो हम 2 लिख दिए। तो वही यहाँ पर लिख रहा है कि आप ये अलजेब्रा का सवाल ऐसे इसका एप्लीकेशन टाइप का पूछिए, यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। अभी एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसका क्या है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है क्या है, प्राइस ऑफ बनाना पर डर्जन इज पी, एक दर्जन बनाना का दाम पी है एंड फॉर द स्कूल के लिए ये इतना डर्जन चाहिए। ठीक है, तो कितना पैसा लगेगा, एक डर्जन का दाम है पी और जेड डोजन चाहिए हमको, जेड डोजन चाहिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पी इंटू जेड, इसका ये हो गया ना, तो ये भी क्या हो गया, अलजेब्रा का सवाल हो गया, क्योंकि हमको कांस्टेंट के बदले हम वेरिएबल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बोल रहा है कि प्राइस जो है से 2 से घट गया और डोजन जो है से 4 से कम, मैंने 4 अंक से वो कम नंबर चाहिए, मतलब 4 अंक से कम वो वैल्यू चाहिए, दर्जन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, पी माइनस 2, प्राइस 2 रुपये घट चुका है और दर्जन हमको कितना कम चाहिए, अभी 4 दर्जन और कम कम चाहिए। अब जेड कुछ होगा, 4 से बड़ा ही वैल्यू होगा क्योंकि निगेटिव में वैल्यू नहीं जाएगा, यहाँ पे जेड की वैल्यू अगर ये ऐसा लिखा हुआ है ना, तो जेड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि इस सवाल के लिए मैं बोल रहा हूँ, हर केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दर्जन जो है डर्जन ऑफ केला निगेटिव में नहीं जा सकता, 0 तक जा सकता है कि मेरे को केला ही नहीं चाहिए, एक दर्जन चाहिए, 2 दर्जन चाहिए ऐसे, लेकिन निगेटिव -1 दर्जन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए, बट ठीक है, नहीं लिखा कोई बात नहीं है। ठीक, ये बारीकियाँ थोड़ा मिस कर जाते हैं ये लोग, ऐसे तो बहुत बढ़िया बढ़िया लोग इसको किताबों को बनाते हैं, बट आई डोंट नो क्या चक्कर है, जो भी है चलिए अपने काम करनी है। ठीक, अभी क्या है मोनोमियल, अभी ये मैं आपको बता चुका हूँ, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाई अ मोनोमियल, मोनोमियल क्या था, जहाँ पे प्लस से 2 एक्सप्रेशन सेपरेट हो रहे थे ये बाइनोमियल था, 3 एक्सप्रेशन सेपरेट हो रहे थे तो ये ट्राइमोनोमियल बन जाता है, और एक भी सेपरेशन नहीं है तो ये मोनोमियल है। ठीक है, तो मोनोमियल का मोनोमियल से मल्टीप्लीकेशन, अब ये पढ़ के देखिएगा, मैंने आपको बताया है ना कि 4 × x लिखा हुआ है, तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, एक्स 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 4x के होता है ना, आप ऐसा समझिए कि 5 × 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या सीधा 10 बोल देते हैं, क्योंकि आपको टेबल याद है, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 5 दो बार है, 5 + 5 = 10 होता है, ये तो छोटा नंबर था, मान लेते हैं 3 × 4 है, आपको सीधा मल्टीप्लीकेशन याद है 12, 3 × 4 = 12, लेकिन 3 जो है वो 4 दफ़ा आया है, 4 बार आया है, तो 4 बार जब आया है तो हम इसको 4 बार ऐड भी करके वही नंबर पा सकते हैं। देखिए 3 6 9, तो जो टेबल है ना एक्चुअली वो एडिशन है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको, मेरे को कभी बोल दिया कि भाई 12 × 11 बताओ, अब यार 12 का तो 10 तक ही याद है, तो हम क्या करेंगे कि 12 × 10 कर देंगे, कि क्या होगा दिमाग में, 120 आ गया, 120 में क्या है कि 10 10 तक का तो हमने गुना कर लिया, अभी एक जो गुना है उसको ऐड कर देते हैं, 12 132 आ जाता है। ठीक है,
मिटाने में ना मेरा नींव घिस जाता है। चलिए मिथुराज आइए इस पर, तो अब सीधा सवाल पे पहुंचते हैं। एक्स इंटू थ्री वाई क्या हो जाएगा? मैंने आपको बताया था ये एक मोनोमियल है, ये एक मोनोमियल है, ठीक है। तो एक्स इंटू अगर थ्री वाई लिखा हुआ है तो एक्चुअली क्या लिखा हुआ है? एक्स इंटू थ्री इंटू वाई लिखा हुआ है, तो एक तो इससे चिपका ही हुआ था, एक और आप इसमें चिपका दीजिए, थ्री एक्स वाई हो जाएगा। आप इसको एक्स थ्री वाई भी बोल सकते हैं, क्यूब नहीं है ये, एक्स थ्री वाई है, एक्स वाई थ्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी ये क्यूब नहीं है, नंबर है। आगे पीछे किधर भी हो जाए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगता है, तो ये आगे पीछे हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लीकेशन के केस में। जैसे एक्स एक्स जेड और जेड वाई के, सॉरी एक्स जेड एंड जेड एक्स के केस में आया था वैसे, ठीक। अब ये देखिए ये बोला करने, क्या हो गया? इसका प्लस था, ये माइनस था, तो पहले आप माइनस को हैंडल कीजिए तो ये माइनस आ गया, पहले उसके बाद कॉन्स्टेंट को आप हैंडल कीजिए, क्या आ गया? फाइव थ्री या फिफ्टीन आ गया। उसके बाद आप इसको हैंडल, वेरिएबल को हैंडल कीजिए, एक्स और वाई है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए पावर वन में आ जाएगा। ये देखिए ये आंसर आ रहा है ना, तो आप ये कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, मैंने आपको बताया था, तो इसमें कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा टफ सवाल आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मैंने इसको अंडरलाइन किया था, ठीक है। नोट दैट फाइव इंटू फोर इक्वल, अब इसे नोट क्या करना है, कोफिशियंट ऑफ प्रोडक्ट, कोफिशियंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल इंटू कोफिशियंट ऑफ सेकंड मोनोमियल। मैंने आपको ये बताया था ना कि क्या होता है, ये प्लस माइनस साइन होता है पहला लेवल पे, उसके बाद कोफिशियंट होता है। कोफिशियंट मतलब क्या होता है ना कि किसी भी वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा होता है उसको कोफिशियंट बोलते हैं। किसी भी वेरिएबल के आगे में नंबर लगा हुआ है, थ्री एक्स वाई लिखा हुआ है तो दिस इज कोफिशियंट, थ्री एक्स लिखा हुआ है दिस इज कोफिशियंट, फोर वाई लिखा हुआ है दिस इज कोफिशियंट। तो कोफिशियंट एक कॉन्स्टेंट है, कोफिशियंट क्या है, एक कॉन्स्टेंट है जो किसी भी वेरिएबल के आगे में लगा होता है, उसको हम लोग कोफिशियंट बोल देते हैं, ठीक। तो जो मोनोमियल एक्सप्रेशन था हमारा वो कैसा होगा, पहले तो प्लस माइनस होगा, फिर कुछ कांस्टेंट, या मैं उसको कांस्टेंट कोफिशियंट को एक्चुअली मैं कांस्टेंट बोल रहा था, तो आप इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। ये कोफिशियंट जो होता है सो वेरिएबल के साथ होता है, कांस्टेंट कोई भी नंबर को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, वन टू थ्री फोर कोई भी नंबर को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं, लेकिन कोफिशियंट तभी आता है जब किसी वेरिएबल के साथ वो लगता है, तो ये थोड़ा स्पेशल केस हो गया। तो यहाँ पर कोफिशियंट या कॉन्स्टेंट आप बोल लीजिए ये वो होगा, और यहाँ पर वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री, इसका कुछ पावर ए बी सी कुछ पावर होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इंटू आप कर रहे होंगे वही किसी सी, यहाँ पे सी लिखा था यहाँ पे सी वन लिख लेते हैं, दूसरा कोई कोफिशियंट होगा, सेम भी हो सकता है बट हम अलग लिखते हैं। यहाँ भी वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री, इसी का भी कुछ पावर ए बी सी मान लेते हैं, ऐसा कुछ होगा, ये सी ही रहने दीजिए ना, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब ये एक्सप्रेशन की बात हो रही है तो इसलिए मैंने जनरलाइज फॉर्म लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं और आप इधर साइन लिखते हैं, ठीक है। प्लस प्लस हम, मैंने आपको बताया था ना, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस या प्लस माइनस या माइनस माइनस होता है, तो ये आपको मैंने बताया था। तो आप पहले क्या करेंगे, साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, आप साइन को मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, और यहाँ पर साइन लिख देंगे, पहला चीज़ आप साइन लिख लिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये जो है थोड़ा इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे एक दूसरे से, तो इनका कुछ प्रोडक्ट होगा वो आप ये यहाँ पर लिख लेंगे, सी नॉट रख लेते हैं मान लीजिए, इन दोनों को जोड़ करके। अब इनमें क्या है कि ये वेरिएबल मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो सेम होंगे मान लीजिए वी 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 कुछ आएगा आपका के जेड, मतलब के जेड मत लिखिए, वन टू थ्री लिखते हैं, जनरलाइज फॉर्म ही लिखते हैं, वन टू थ्री, ठीक है। अभी जो वेरिएबल सेम होंगे उनके पावर ऐड हो जाएंगे, ठीक है, पावर ऐड हो जाएंगे, और जो मालूम वेरिएबल सेम नहीं होंगे उनके पावर, जो एक का किसी का पावर होगा वो वही पावर रह जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि कोफिशियंट जो प्रोडक्ट का जो कोफिशियंट है, जो आप मल्टीप्लाई करके जो कोफिशियंट मिलेगा, वो जो आप टर्म्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो मोनोमियल्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका जो कोफिशियंट आपस में मल्टीप्लाई होगा वही आपका प्रोडक्ट जो एंड आंसर होगा उसका जो कोफिशियंट होगा उसके बराबर हो जाएगा, ये इतना ही बोलना चाह रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे आप एक कोई सवाल, ये देखिए ये पाँच और ये चार, पाँच चार बीस, तो ये देखिए ये बीस, यही बोलना चाह रहा है। कोफिशियंट ऑफ प्रोडक्ट, कोफिशियंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज ट्वेंटी इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट मोनोमियल इज फाइव एंड कोफिशियंट ऑफ सेकंड मोनोमियल दैट इज फोर, ठीक।
दोनों का प्रोडक्ट आपका कोफिशियंट ऑफ आंसर होगा। ठीक है, अगला इसमें क्या बोला हुआ है कि एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल्स टू एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ फर्स्ट मोनोमियल इंटू एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ सेकंड मोनोमियल। ठीक है, तो एक्स अगर पहले में है, अब यहाँ पे वही एग्जाम्पल यहाँ से ही देख लीजिए आप, यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन का एल्जेब्रिक फैक्टर है, सेकंड एक्सप्रेशन का एल्जेब्रिक फैक्टर है, वो दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एल्जेब्रिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये जो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हमको दे रहा है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या दे रहा है, एक्स की पावर 1 प्लस 2, ये इसका पावर 1 था, तो ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं और ये हमको एक्स की पावर 3 मिल जाता है। ठीक, चलिए अब तीन यहाँ पे क्या है ना, मोनोमियली की बात हो रही है, लेकिन तीन यहाँ पर क्या था कि दो यूज़ कर रहे थे, मल्टीप्लाई में एटलीस्ट आपको दो तो चाहिए ही ना, मतलब दो से कम में आप एक एक का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो तो चाहिए ही। अभी बोल रहा है तीन या उससे ज़्यादा हो तो कुछ नहीं करना है यार, सेम ही चीज़ है, दो में जैसे किया वैसे ही करें। ठीक है, आपके पास मान लीजिए तीन या तीन से अधिक, मैं चार मान कर चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, चारों के पास कुछ साइन होगा, ये तो इनटू में था ना। ठीक है, कुछ कांस्टेंट पार्ट होगा, कोफिशेंट जिसको बोल रहे थे, है ना, ये बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर दे रहे हैं, और यहाँ पे वेरिएबल पार्ट होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप चारों साइन का ये मुआयना करेंगे, चारों साइन को आप करेंगे वन एट अ टाइम, मतलब दो दो एक एक पेयर में आप करते जाएंगे, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस होता माइनस हो जाता है, फिर वो जो यहाँ जो आंसर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जो आंसर आता है इससे मल्टीप्लाई, मान लीजिए यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ भी माइनस होता है, तो ये क्या करते हैं हम, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, और फिर माइनस जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर में मेरा माइनस आ जाएगा। ठीक, फिर से एक बार इसको देख लीजिए, मतलब जिनको समझ में आना होगा वो आ गया होगा, बट जस्ट इन केस ना आया हो तो अभी एक एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, ये C1, C2, C3, C4 होगा, C1, C2, C3, C4, ये मान लेते 1, 2, 3, 4 था, आप ये सारों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस साइन केस में क्या था ना, आपका चार साइन था ना, तो चारों साइन को आप लिखिए वन के साथ माइनस, मान लीजिए चार साइन क्या होता, माइनस वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन, अभी आप चारों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, अब चार टू माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, वही मैं बस साइन उठा के लेके आया हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पर साइन डिसाइड करना है कि यहाँ पर साइन क्या होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस प्लस प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर माइनस आ जाएगा। ऐसा अगर और थोड़ा आराम से देखना हो तो पहले इन आगे वाले को डील कीजिए, आगे वाला क्या था अपना, माइनस प्लस माइनस माइनस वन। ठीक है, ये दो ऐसे ही लिख देंगे हम, माइनस वन माइनस वन। ठीक है, अभी इसको भूल जाइए, अभी इस पे आइए, माइनस माइनस प्लस प्लस वन माइनस वन, ये ऐसे ही लिख दिया, प्लस माइनस 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 वन, अल्टीमेटली माइनस वन आंसर आ गया, यानी कि यह माइनस आ जाएगा। ठीक है, आप ये ऐसा साइन डिसाइड कर सकते हैं, एक बार आपने ऐसा साइन डिसाइड कर लिया, आपने कॉन्स्टेंट्स के मल्टीप्लीकेशन के बाद उसके ये निकाल लिए, ये निकाल मतलब मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लिया, वो आपने यहाँ लिख दिया, C1 C2 C4 बेसिकली मल्टीप्लीकेशन है, जो एक वैल्यू आएगा कॉन्स्टेंट का या कोफिशेंट का वो यहाँ लिख देंगे। वेरिएबल्स में जो भी वेरिएबल्स होंगे, एक्स होंगे, वाई होंगे, जेड होंगे, ठीक है, कुछ भी वेरिएबल्स हो, मोस्टली एक्स वाई जेड ही जैसा दिखता है ना, यहाँ भी एक्स वाई जेड ही दिख रहा है। ठीक है, अभी जिसका जितना पावर होगा ना सब में वो जोड़ देना है आपको। ठीक, मान लीजिए एक्स का यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, तो 5 8 9 3 12 12 2 14 14 इसका, और इसका भी कुछ वैसे ही जोड़ के लिख दीजिएगा, और इसका भी कुछ वैसे ही जोड़ के लिख दीजिएगा, दैट इज़ योर आंसर। तो ये एक जेनरिक फॉर्म में मैंने बताया है, अब इसको एग्जाम्पल में जब हम तब्दील करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एग्जाम्पल में, तब आप इसमें देखिए। ठीक है, सवाल लेते हैं, अब ये तीन एक्सप्रेशन था यहाँ पर, राइट, 1 2 3,
अभी क्या सब में साइन देखिए, पहले प्लस प्लस प्लस, तो तीन प्लस है तो प्लस ही आएगा, सीधा प्लस लिख लिया हमने। 5 इंटू 2, एंड 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 इंटू 7 70, कोफिशेंट 70। ठीक है, एक्स वाई जेड कोई रिपीटेशन नहीं है, तीनों मोनोमियल में कोई भी वेरिएबल रिपीट नहीं हो रहे, मतलब सीधा सीधी एक्स वाई जेड रिपीट हो रहा होता तो पावर ऐड कर देते। थोड़ा कठिन सवाल लेते हैं, ये देखिए इसमें क्या किया ना, वन एट ए टाइम लेकर किया, जैसे पहला ये लेकर किया कुछ, इसका आंसर निकाला, फिर उसको इसे मल्टीप्लाई किया, आपको ऐसे ही करना है। बट मैं एक तरीका आपको ये बता रहा हूँ कि आप शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलेंगे, मतलब आपको कैसे वेरीफाई करना है कि सही है या नहीं। अब देखिए तीनों में साइन किया, प्लस प्लस प्लस, दिस इज द स्मार्ट वे राइट, तो तीन प्लस हैं तो प्लस आ जाएगा। 4 5 20 एंड 20 इंटू 6 इज 120, 20 इंटू 6 इज 6 2 12, और 10 का वो 0 1 लगा दीजिए तो 120 आ गया। ठीक, अभी देखिए एक्स वाई जेड कहीं नहीं है ना, तो हम लोग एक्स लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे, एक्स का पावर 1 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, अब वाई का पावर क्या, 1 2 3, ठीक है सेम, 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120, एक्स की पावर 6, वाई की पावर 6। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाता है, ये देखिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया कि मान लीजिए मेरे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 था, तो मैंने इसको क्या किया, 4 3 12, 12 5 60, ये 60 आ गया। ठीक, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, इसमें स्टेप्स क्या दिखाया है कि आप पहले क्या कीजिए, 5 इंटू 4 कीजिए, क्या कीजिए पहले, ये आप पहले ये पोर्शन कीजिए, 5 इंटू 5 4 20, फिर इंटू 3 लिखिए, इक्वल टू 20 इंटू 3 60। वैसे क्या, वन एट ए टाइम लिया, उसको सॉल्व किया, फिर उसका ये आंसर लिखा, फिर ये है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसने पहले कांस्टेंट को इस स्टेप पर मल्टीप्लाई कर लिया, और उसके बाद उसके वेरिएबल को ऐसे ही छोड़ दिया है। थोड़ा साफ कर लेते हैं ना, ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब आपने इसको एक साथ ही डील किया था, इसमें कांस्टेंट को आपने एक ही साथ मल्टीप्लाई और वेरिएबल एक ही साथ मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाने का मतलब था। ठीक है ना, तो आपने क्या किया यहाँ पे, 20 इंटू 6 किया, 120 लिख दिया, ये एज इट इज़ लिख दिया, और इसका कोफिशेंट आपने उठा के मल्टीप्लाई कर ही लिया है, तो ये एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे कोफिशेंट हमने, सॉरी वेरिएबल पार्ट हमने लिख दिया, बस उसको अब सॉल्व कर लिया, इसको इसको इंटू। अब जब ये ऐसा कुछ आया, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, पावर आपको ऐड करना है, और ये आपका आंसर बन जाता है ऐसा। ठीक है, तो जैसे आपको क्लास में बताया जाए कि आपको ये सॉल्यूशन करना है, जिस स्टेप्स को, जिन स्टेप्स को आपको बताया जाए, आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्रह्मा वही है। ठीक है मित्र, अभी क्या है इसमें, ये देखिए आपको क्या बताया था, ये भी एक एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा इसमें ना अलग अलग है क्या, नहीं यार वो तो वही लिखा हुआ है, एक्स वही लिखा हुआ है, अलग नहीं है कुछ इसमें। अब ये लेंथ है ना, ब्रेथ है, इनको मल्टीप्लाई करके आप देखिए, ये दो मोनोमियल्स हैं, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये भी, अभी मल्टीप्लाई करके देखिए, नॉर्मल आपको अब आ जाना चाहिए, जब आपने इसे कठिन वाला कर लिया है तो ये अभी आपका आ जाना चाहिए। आगे आते हैं, एक हाथ में इसमें बता देता हूँ, अब ये देखिए इनका बोला है ना हमको मल्टीप्लाई करने, कौन सा बताऊँ, ये पहला वही बोला, ये बता देते हैं, ये दूसरा वाला बता दें, तो दूसरा वाला रखिए, ये मैं बताता हूँ आपको, इसका बोला है कि रेक्टेंगल उसका वॉल्यूम बताओ। तो पहले हमने क्या था, स्टेप्स आप देख लीजिएगा, स्टेप्स आपको बताना है, यहाँ तीनों में प्लस 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 है तो यहाँ प्लस आ गया, तीनों में कोफिशेंट क्या है, 1 यहाँ भी है, यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ 1 आ गया। एम स्क्वायर एन है, एन स्क्वायर पी है, और पी स्क्वायर एम है, एम स्क्वायर, सॉरी आप पहले इसमें ये लिखिए, वेरिएबल्स लिखिए, कौन कौन से वेरिएबल है, एम एन और पी हैं, एम एन और पी है, ये तीन वेरिएबल है। पावर चेक कीजिए, 2 यहाँ पर है, यहाँ एम नहीं है, यहाँ एम 1 है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एन का पावर चेक कीजिए, एन यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 हो गया, और यहाँ पर एन नहीं है, यहाँ पर 3 हो गया। पी कितना है, 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पी नहीं है, यानी कि 2 प्लस 1 3 हो गया, आपका आंसर m³ + n³ + p³ आ जाएगा, ये है ना।
ठीक है, अब इसमें सवाल दिए गए हैं, आप सवाल कीजिए, आसानी है, अभी नॉर्मल प्रोडक्ट है, आपको समझ में आ गया। हाँ, ये अभी इस तरह के जो सवाल है ना, ये सेम ही है, मतलब कुछ ऐसा अलग नहीं है। इसमें क्या है कि पावर को ना थोड़ा बढ़ाया गया है। इसमें क्या है, तीनों का साइन देखिए, तीनों का साइन प्लस है, तो प्लस ही रह जाएगा साइन। कॉन्स्टेंट क्या है, 5, 3, 7, तो 7 3 जा 21, 21 5 जा 105, या 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। ठीक, अब ए ए है, और कोई वेरिएबल है, और कोई वेरिएबल नहीं है। अब ए की पावर देखिए, 1 2 4, 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, इसको इक्वल क्या आ जाएगा, 105, 4 2 6 1 7, ए की पावर 7, ऐसा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये करके देख सकते हैं, अब सारा करके देखिए, सारा आपसे हो जाएगा, कोई इसमें ऐसा नहीं है। अब बोल रहा है कि मोनोमियल को हम लोग पॉलीनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल को पॉलीनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पॉलीनोमियल का आपको बताया था, पॉलीनोमियल क्या था कि मोनोमियल ही को जब आप ऐड ऐड करके तीन चार एक्सप्रेशन लगा देते हैं ना, उसको पॉलीनोमियल होता है। टू या दो से अधिक भी आप लगाते हैं, जैसे ये प्लस ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ठीक है, दोनों को आपने ऐड कर दिया, मिला के ये बाइनोमियल हो गया। अब बाइनोमियल खुद में क्या होता है, ये पॉलीनोमियल होता है। ठीक, ठीक है मित्रों, तो ये पॉलीनोमियल हो जाता है, तो कुछ भी नहीं है इसमें। अब मान लेते हैं अपने को ये दे दिया कि एक मोनोमियल दे दिया, कांस्टेंट टर्म पहले बात कर लेते हैं, कांस्टेंट से वो क्या है ना कि वो पिक्चर क्लियर हो जाता है। और आपको बोल दिया कि 2 प्लस 5 प्लस 7, इससे आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या है, पॉलीनोमियल है, ये क्या है, मोनोमियल है ना। अब क्या करेंगे, इस पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और तीनों का डिसीजन रखेंगे। अब ये मान लेते हैं कि ये ना कांस्टेंट माना है, मैं इसको जोड़ करके सीधा मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो सकता है, लेकिन हमारा फोकस इस पे है कि हम मोनोमियल को पॉलीनोमियल के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उस पे है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 5 × 5 5 × 5, प्लस 5 × 7 5 × 7। अब ये इंडिविजुअली ये मोनोमियल बन गए। अब इसका सॉल्व करना तो हम देख चुके हैं, तो बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वेरिएबल होंगे ना, तो हमने इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई में ही छोड़ दिया, 5 × 10 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मैंने इसको इसी फॉर्म में इसलिए छोड़ा है ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको जब मल्टीप्लाई होकर मोनोमियल बन के आएगा, मोनोमियल बन के आएगा, ठीक है, इंडिविजुअल, जो कि ओवरऑल एक पॉलीनोमियल जरूर है, ओवरऑल एक पॉलीनोमियल है, लेकिन इंडिविजुअल ये मोनोमियल आपका आंसर बन के आएगा। और आप इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप जैसे आपने पहले ट्रीट किया था, तो वैसे ही आपको ट्रीट करना है। और हाँ, मैंने इससे पिछले वाले पार्ट में ही बताया था कि अगर इनका और इनका वेरिएबल पार्ट सेम हो जाए, तो ये दोनों भी आपस में मिंगल कर जाते हैं, ठीक है। तो अब सवाल लेते हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे जो हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये जो पोर्शन हमने लिखा हुआ है, इसी को हम लोग फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। दो टर्म को बाइनोमियल बोलते हैं, इसे मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा आपको, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। मल्टीप्लाइंग है मोनोमियल बाई अ बाइनोमियल, मोनोमियल को बाइनोमियल, इसमें कोई एग्जाम्पल पकड़िए ये, ठीक है। तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3x इससे, 3x इससे मल्टीप्लाई होगा, 3x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तभी देखिए क्या होता है, 3x × 5y, 3x × 5y प्लस 3x × 2y, प्लस कहाँ से आया, बीच में जो प्लस था वही प्लस आया है, ये प्लस आया है। आप इसको सॉल्व कीजिए, 15xy, और ये आ गया 6x, तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने पढ़ा था ना पहले चैप्टर में, वो आपका ये था। तो यही चीज़ मैंने यहाँ भी वही चीज़ बताया, क्या वही चीज़ बताया, देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या कर रही है अभी, यही सेम चीज़ ये फॉलो कर रहा है, इसलिए मैंने आपको ना ये जो पोर्शन लिखा है, इसलिए मैंने आपको 5 × 10 2 10 करके नहीं बताया था, इंटू में ही रखा था चीज़ को, क्योंकि ये पोर्शन आपको मुझे बताना था। तो कॉन्स्टेंट के फॉर्म में अगर आपको समझ में आ जाता है, तो आपको वेरिएबल के फॉर्म में भी समझ में आ जाएगा, और वेरिएबल फॉर्म में समझ में आ गया मतलब एलजेब्रा आ गया, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये ऐसा दिया, वो पीछे मोनोमियल डाल दिया, आगे बाइनोमियल डाल दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए। अब 5 × वो जो लिखा हुआ था, ये इसे जो लिखा हुआ था कि 5 × ये हमने किया था, ठीक है। अगर मैं इधर 5 डाल दूं, तो क्या कुछ बदल जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ बदल जाएगा क्या,
कुछ नहीं बदलेगा इसमें, सेम ही चीज़ होगी। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 × 5 + 5 × 5 + 7 × 5, वही तो लिखा था हमने, है ना। तो ये क्या किया, इसको बुद्धिमानी दिखा दिया, थोड़ा पीछे लिख दिया, पीछे लिख दिया तो क्या हो गया, आप इसको आगे लिख लीजिए, है ना। मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव होते हैं ना, आप उसको आगे कर लीजिए, और नहीं आगे करना तो काय को नहीं है, मतलब ये सीधा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं कि ये इधर मल्टीप्लाई करके आप 15xy हो जाएगा, ये 6x, आप सीधा लिख सकते हैं। इसमें आगे करके बताया है तो आपको अगर दिमाग में एडजस्ट नहीं हो रहा हो कि यार मोनोमियल पीछे रख दिया कैसे मल्टीप्लाई करें, तो आप उसको उठा के आगे ले आइए, सीधा लिख दीजिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ये था ना, यहाँ जो स्टेप्स ये लिखा इस तरह से इसने इसको सीधा कर लिया, वही क्या नहीं है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये सीधा कर लिया, है ना, पीछे जो था इसको आगे उठा के लिया है। ऐसे हम लोग लिख देंगे कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो भी आप स्टेप करें वहाँ कोई अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट लगाया है तो आप उसको डॉट डॉट करके जरूर लिखें, इससे भी मार्क्स मिलते हैं कि आप इधर से इधर किए। अब ऐसा नहीं है कि आपने ऐड किया तो डॉट डॉट करके आप एडिशन लिख देंगे, वो नहीं, कोई प्रॉपर्टी अगर आपने यूज़ की है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया है तो आप उसको वहाँ पर डॉट डॉट करके आप लिखिए कि हाँ मैंने इसमें ऐसा किया है, तो वो ज़्यादा बढ़िया क्लियर होता है। मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल, अब सेम चीज़ है, दो का यहाँ तीन आ गया, तो ये से ये से ये से, तो ट्राइनोमियल वाला केस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अभी जो ये बताया था ना ये ट्राइनोमियल वाला ही केस था। बाइनोमियल होता अगर यहीं पर ये हो जाता, और ये चूंकि तीन है यहाँ पर लिखा, 1, 2, 3 लिखा हुआ, यानी कि ट्राइनोमियल पहले से ही है, तो अब इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब बोला है कि आप इसको पहले सॉल्व कीजिए और आप हमको वैल्यू बताइए, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करके ये खोलेंगे, मोनोमियल का बाइनोमियल से मल्टीप्लीकेशन है, राइट, तो इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आप ब्रैकेट खोल के, और उसके बाद सॉल्यूशन कुछ करना हो तो वो कीजिए, और फिर इसमें एक्स की वैल्यू 1 डालिए और आपको वैल्यू बताइए। तो ये देखिए इससे और इससे मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है ना, प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस का 3x आ गया, ठीक है, और 2 जो था ऐसा ही, ये 2 तो ये 2 ऐसे ही आ गया। अभी और कुछ इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये और आगे एडिशन कुछ नहीं हो सकता। अब सीधा एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए जो कि 1 के बराबर है, 1 के बराबर अपने वैल्यू जैसे ही पुट किया था, अब इसका सॉल्यूशन, ये तो फिर नॉर्मल मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है ना, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। ठीक है, ये अब चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर ही है, थोड़ा सा रह जाता है, टाइम एक्चुअली काफ़ी हो गया है ना। ठीक है, आप ये करके देखिए आपसे होगा ये। अब ये खोलिए, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करके आप खोलिए, इसको भी यहाँ भी मोनोमियल बाइनोमियल खोलिए एक आध, तो ये दिया ही हुआ सॉल्यूशन, इसमें मैं क्या ही, मतलब आप देख के भी कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया कि जस्ट इन केस कन्फ्यूज हो रहा हो तो। अब ये जो है इसमें भी सेम है, इसको इसको खोलिए और फिर इसको ऐड कीजिए, ऐसा बोला, तो इसको खोल के एक एक्सप्रेशन बनेगा, देखते हैं ना, ये वैसे खोला तो खोल के एक्सप्रेशन बनेगा, क्या कह रहे भैया, हाँ ये खोल के एक्सप्रेशन बनाया ना, ये एक्सप्रेशन आपको निकल के आया, जब जब ये मोनोमियल बाइनोमियल से मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आया, ठीक, सेकंड एक्सप्रेशन को भी उसने वैसे ही फिर किया, सेकंड एक्सप्रेशन कौन सा था, 6 नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, अब इसको क्या किया, ऐड किया, तो फर्स्ट प्लस सेकंड ऐड कर दिया, इसमें तो कुछ खोलने का नहीं था ना, ये देखिए ये खोल के आप लाए थे और ये आपको ऐड करने बोला था, तो दोनों को ऐड किया, जो भी सेम वाले हैं उनको आप देख लीजिए, सेम वाले क्या था, प्लस 6 एम स्क्वायर वाले सेम थे, ये एम स्क्वायर, ये भी यहाँ भी एम स्क्वायर, तो प्लस 6 माइनस 5 है, तो प्लस 6 माइनस 5 क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा, 6 माइनस 5 इज 1 और एम स्क्वायर, 1 एम स्क्वायर यहाँ आ गया, और माइनस 13 एम यहाँ है, यहाँ 15 एम है, तो ये भी सेम है, तो ये भी कुछ मिंगल होगा, तो ये माइनस में है तो इसमें से आप 15 में से 13 घटा दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, m जो है उसमें m जोड़ दीजिए, m क्या ही जोड़ना है, मतलब तो 2 और m तो कॉमन ही आ जाता है ना। ठीक है, तब ये करके देखिए आपसे होंगे ये सवाल, ये थोड़ा और थोड़ा लेवल बढ़ाया है, इसमें पावर बढ़ा दिया तो लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, आप ये मल्टीप्लाई करके देखिए, ये भी ये तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन है, ये आपका मोनोमियल का बाइनोमियल से ट्राइनोमियल से मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, आपको समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, एक बार में ही मत चलिए कि मेरा सीधा आंसर आ जाए, उस पर मत जाइए आप, कहाँ है इसका आंसर, और क्या बोला, इसको ऐड करने बोला लास्ट में, तो पहले आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन को खोला,
आपका ये निकल के आया, ठीक है, ये प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस ये यहाँ पे प्लस था, ये माइनस था ना, अच्छा ये माइनस अंदर रखे हुआ है अभी, ठीक है, अभी जब बाहर लेकर के आया तो यहाँ बाहर आ गया माइनस, इसको भी आपने खोला तो ये एक बना, अभी फिर वही एडिशन में कैसे हमने एडिशन किया था, जो मिलता होगा साथ में रखेंगे, जो मिलता होगा साथ में रखेंगे, जो नहीं मिलता होगा इसके नीचे जीरो है, इसका मिलता हुआ नहीं है जीरो है, और आप उसको ऐड कर सकते हैं। अभी सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट है, आप ये एक्सप्रेशन खोल के ये निकाल के लेके आए, ये एक्सप्रेशन खोल के आप ये निकाल के लेके आए, आपने इसको ये रख दिया, अभी क्या है आपने फ्रॉम वाला है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो ये ऊपर जाएगा, तो यानी दूसरा वाला ऊपर जाएगा, ये देखिए ये ऊपर आ गया और ये नीचे आ गया, अभी क्या होगा इसका साइन बदलेंगे, एडिटिव इन्वर्स का बात किए थे ना, एडिटिव इन्वर्स की बात की थी हमने, तो यहाँ प्लस था तो ये माइनस बनेगा, ये माइनस था ये प्लस बनेगा, ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो इस तरह में तो आप इसका ना साइन बदल के एक स्टेप लिख ही लीजिएगा, 2p² q + 2pq² ठीक है ना, -3p² q + 3pq². अब यहाँ से नॉर्मल एडिशन है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसमें आपको ऐसा करने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप एक स्टेप और बढ़ा के ऐसा लिख करके कि साइन हम चेंज कर रहे हैं, एक स्टेप बढ़ा के आप ये लिख लीजिए और उसके बाद आप नॉर्मल सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, -1p² q + 3 5 5pq². अब ये और ये सेम तो है नहीं, ये तो q पर p p p पे स्क्वायर है, यहाँ पे q पे स्क्वायर है, राइट, ठीक है मित्रों, चलिए और आगे देखते हैं सवाल। अब कोई टफ सवाल, टफ सवाल जनरली नीचे ही होता है ना, ठीक है, ये मैं करके बताता हूँ और फिर हम इसको रैप अप करते हैं अभी के लिए, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक बच गया है लेकिन टाइम नहीं बच रहा है। जल्दी के चक्कर में कुछ गड़बड़ हो जाएगा ये, चलिए ये सवाल भी ना मैं अगले ही लेक्चर में करता हूँ, इसको और नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि जब अगला बनाना ही है तो फिर इसको यहीं पर रोकते हैं, ठीक है मित्रों, टाटा बाय।